दोस्तों इसे तो श्री जी बाबा द्वार श्री दाऊजी मंदिर श्री सागर महाराज। तो ये आप जो देख रहे हो, हम लोग आज दाऊजी महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये एंट्री गेट है इनका, और इसके बराबर में आप दर्शन कर सकते हैं श्री परशुराम जी के, जो कि इतने सुंदर एवं खुशी दर्शन हमको यहाँ पे हो रहे हैं, देख रहे हो आप काफ़ी सुंदर दर्शन हो रहे हैं। तो यहाँ से करीब आधा किलोमीटर वहाँ तक, तो इतना डिस्टेंस है करीब दाऊजी महाराज का मंदिर है। तो आज वहाँ का संपूर्ण वीडियो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं बलदेव, और यहाँ पे हम आपको दर्शन कराएंगे आज श्री दाऊजी महाराज के, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, और जो कि मंदिर के हम लोग लेके जा रहे हैं। तो रास्ते में श्री बलदाव जी की दर्शन, बलराम जी की फल के साथ दर्शन हमको नज़र आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ, चलो विशाल बरसा नाम। और दोस्तों जैसा कि मैं आज बता दूँ कि आज मैं आपको लेके आया हूँ दाऊ जी, जो कि बलदेव, जो कि भगवान श्री कृष्ण का बड़े भाई दाऊ जी का यहाँ पे मंदिर है। और आप देख सकते हैं ये दाऊ जी मंदिर, आज यहाँ का हम लोग सबको पूरा रुख कराएंगे, यहाँ का पूरा संपूर्ण दर्शन कराएंगे दाऊ जी महाराज की। तो आज की वीडियो बहुत ही खतरनाक रहेगी, आप देख रहे हो काफ़ी दिनों में मैं एक ब्लॉग लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी काफ़ी आनंदमंद रहेगी, तो हम लोग आपको दाऊ जी मंदिर का संपूर्ण व्यू कराएंगे। तो दोस्तों जो भाई मेरे चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी के साथ चलते हैं दाऊ जी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये है दाऊ जी मंदिर, और हम लोग यहाँ पे क्या है, दाऊ जी मंदिर के बाहर ही आपको पूजा पाठ के सभी सामग्री मिल जाती है, आप देख सकते हो फूल इत्यादि सारा सामान मिल जाता है। और अभी हम लोग प्रवेश करेंगे दाऊ जी मंदिर के अंदर। तो आप देख सकते हो काफ़ी भक्तगण हैं, जो कि श्रद्धालुगढ़ हैं, जो कि दाऊ जी महाराज के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, और अभी अभी अंदर चल रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही आनंद आएगा आज की वीडियो में, और हम आपको संपूर्ण दाऊ जी मंदिर का संपूर्ण कराएंगे। आप देख सकते हो मंदिर के अंदर प्रांगण के अंदर भी पूजा पाठ के प्रसाद वगैरह सारी सामग्री देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हो खिलौनों की दुकान है, काफ़ी पर्यटक आए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये दो दाऊ जी मंदिर है, मैं आपको थोड़ा सा इसका लोकेशन बता देता हूँ। मथुरा से करीब 20 किलोमीटर की डिस्टेंस से आपको, जो हम लोग शादाबाद की तरफ जाते हैं गोकुल बैराज होते हुए, तो वावन होते हुए तब हमें ये दाऊ जी महाराज, जो कि बलदेव के अंदर है, यहाँ पर हमें दाऊ जी महाराज के दर्शन होते हैं। दोस्तों आप देख रहे हो काफ़ी पर्यटक आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ लगी हुई है, मॉर्निंग का टाइम है, और हम लोग भी यहाँ पे आपको दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग चलेंगे मंदिर प्रांगण की, और आप देख सकते हो मंदिर श्री दाऊ जी महाराज बलदेव। हाँ दोस्तों, हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है मंदिर प्रांगण के अंदर, आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा मंदिर है दाऊ जी का, और सिक्योरिटी का काफ़ी इंतजाम है, आपको देख रहे हो पुलिस का भैया मिल चुके हैं, और काफ़ी बड़ा मंदिर आप देख सकते हो चारों तरफ, काफ़ी भक्तगढ़ श्रद्धालुगढ़ बैठे हुए हैं, और काफ़ी बड़ा मंदिर है। और दोस्तों आप देख रहे हो मैं दाऊ जी मंदिर के अंदर ही हूँ, और काफ़ी पर्यटक हैं, जो भक्तगण हैं, जो कि दर्शन करने हुए मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हो मंदिर है, और अभी हम लोग मंदिर के अंदर चलेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हो मैं ना दाऊ जी मंदिर, यानी कि जो कि बलदेव के अंदर है, वहाँ पे आया हुआ हूँ। और आज की जो वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं दाऊ जी मंदिर, देख रहे हो काफ़ी पर्यटक है, जो कि काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं, और जो कि मैं आपको इसका लोकेशन बता देता हूँ, ये मथुरा से करीब 20 से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, जो कि शादाबाद के लिए जो रोड निकल रहा है, मावन होते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और मेरे बरसाना से देखा जाए तो काफ़ी दूर है, करीब करीब 75 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे हम लोग आए हुए हैं। तो आज मैं आपको संपूर्ण दर्शन कराऊंगा यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग अंदर चल रहे हैं, और आपको दर्शन कराते हैं श्री दाऊ जी महाराज के। अभी हम लोग चल रहे हैं, काफ़ी भक्त खड़े हैं, जो कि काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं, और आप देख रहे हो दाऊ जी महाराज की सीधा, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी के मंदिर में हैं हम लोग। आप देख रहे हो काफ़ी भक्तगणों की भीड़ लगी हुई है, और हम लोग आपको दर्शन कराएंगे अपने वीडियो के जरिए, अपने कैमरे के जरिए। दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे बलदेव के अंदर, जो कि दाऊ जी मंदिर है, यहाँ पे आकर के आप देख सकते हो काफ़ी श्रद्धालुगणों की भीड़ लगी हुई है, काफ़ी पर्यटक हैं, क्योंकि दूर दूर से जो मथुरा लोग, जो मथुरा घूमने के लिए आते हैं, वो दाऊ जी मंदिर जरूर आते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई है। ब्रजमंडल के राजा हैं, प्रवरासी कोष के राजा हैं ये ब्रजमंडल के, दाऊ जी महाराज कलयुगी देव हैं, दाऊ जी महाराज कल्याण जी इनका वो है, वंश है, कात्यानी सूत्र है, दाऊ जी महाराज का है, का है अंगरा गोत्र है, अंगरा ऋषि का आई जन्म क्षीर सागर में से उत्पन्न हुए बलदाऊ जी महाराज। मंडल भाजन परी भाज गए सब देव, श्री जमुना सुनी पड़ी तो द्वार अड़े बलदेव, बलदाऊ महाराज अड़े हैं, यहाँ सब देवता भज गए हैं,
और कृष्ण भगवान भी द्वारकापुरी को चले गए हैं, बलराम जी को रात तिलक कर गए कि 84 कोस के राजा तुम बनो यहाँ पर, बलराम जी महाराज। ये दाऊ जी का दतिया वाले राजा ने 125 सोने का कलश चढ़ाया है, झंडा चढ़ाया, हंडा चढ़ाया, दाऊ जी का 125 सोने का कलश यहाँ पर। चंगुल चिरैया मारी दतिया वाले राजा ने, इसने हैगा जी अपना सब काम किया दाऊ जी का, भगवान का। बलदाऊ महाराज के ब्रज के राजा हैं, जो आप अपना जो कुछ कह जाओगे साल भर के अंदर वो आपकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं बलदाऊ भगवान। अब दोस्तों हम लोग चल रहे हैं गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए, जो कि दाऊ जी महाराज के ठीक बराबर में ही उनका मंदिर है, बस उनके पीछे थोड़ा सा। तो अभी आप देख रहे हैं काफ़ी जो श्रद्धालु हैं जो कि दाऊ जी महाराज के दर्शन करते हैं, उनके साथ साथ श्री गिरिराज जी के दर्शन करते हैं। श्री गिरिराज जी महाराज बड़े ही अद्भुत दर्शन है, बड़ा ही अलौकिक दर्शन है, आप उनका हम आपको अपने वीडियो के जरिए करा रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं काफ़ी भक्तगण हैं जो कि दाऊ जी महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो लोगों का आत्मविश्वास देखकर आप देख सकते हो यहाँ पे स्वयं दाऊ जी महाराज की, जो कि मथुरा से करीब 20 किलोमीटर की डिस्टेंस से है और यहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग जो कि दाऊ जी मंदिर के अंदर हैं, और मैं आपको बता दूँ कि जो दाऊ जी जो बलराम जी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, और लोगों की आप देख सकते हो, लोगों का भीड़ से अंदाजा लगा सकते हो कि आज भी यहाँ पे कितना विश्वास है इनके प्रति दाऊ जी महाराज के। तो यहाँ पे हम लोगों ने लोगों से बात की तो उसका कहना है कि दाऊ जी महाराज की जो मंदिर में आता है और अपनी जो श्रद्धा भाव से अपनी मनोकामना जो रखता है, तो स्वयं दाऊ जी महाराज उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं एक वर्ष के अंदर। और ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। तो दोस्तों हम जो ये देख रहे हैं संगीतन होता हुआ, ये जो बताया जा रहा है कि ये जो दाऊ जी महाराज का पुराना मंदिर है, अभी जो नए हम लोगों ने दर्शन करा है वो नए मंदिर का निर्माण है। तो करीब करीब 250 साल यहाँ पे हुए, 550 वर्ष दाऊ जी महाराज। ये तो गोकुल की गौ चलने के लिए आती थी एक श्यामा, तो गौ दूध छोड़ती थी, ये तो विद्र बंद था। जब दाऊ जी श्यामा गौ दूध छोड़ती थी तो गोसाई लोगों ने कही कि दूध कहाँ जाता है, तो उसकी परीक्षा करी तो गौ अपने आप दूध छोड़ती थी। जब वो खुदाई कराई तो बलराम और रेवती मैया की प्रागट मूर्ति निकली, तो इसलिए इसका नाम है बलदेव नगर, उस नाम का पड़ गया, नहीं तो ये पितृबन में आता था। और ये 5000 वर्ष पुरानी मूर्ति है दाऊ जी महाराज और रेवती मैया। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। दोस्तों अब ये देख सकते हो, हम अपनी वीडियो के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि ये है आपका क्षीर सागर कुंड, जो कि दाऊ जी मंदिर के ठीक बराबर में है। आप देख सकते हो काफी बड़ा कुंड है। इसी लोगों का मानना है कि इसी कुंड के अंदर से ही जो मूर्ति है जो दाऊ जी महाराज की, वो यहीं से उत्पन्न। दोस्तों हम लोगों ने आपको अभी दाऊ जी महाराज के दर्शन कराए एवं वहाँ की जो लीला है उनके बारे में हम लोगों ने जाना यहाँ के लोगों से। तो अभी हम लोग आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। और मैं आशा करता हूँ कि दाऊ जी महाराज आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।